हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। मैं कृष्णाराज, आप लोगों के हमारे झारखंड रिपोर्टिंग में स्वागत है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे, आज हजारीबाग में छात्र संघ का आंदोलन है, जो कि आप लोग पीछे देख के नज़र आ रहा होगा। तो ये आंदोलन 1932 खतियान और नियोजन नीति को लेकर है, जो 11 नवंबर 2022 को 1932 खतियान विधानसभा से पारित हुआ था, लेकिन 29 जनवरी को और उसको राज्यपाल महोदय ने पुनः उसे वापस भेज दिया गया कुछ सुधार के लिए। और नियोजन नीति भी जो हमारे झारखंड का है वो अभी तक नहीं बना हुआ। इसको लेके जो हमारे झारखंड के युवा साथी, जो हमारे झारखंड के स्टूडेंट है, वो सब एक रैली किए हुए हैं, एक आंदोलन निकाले हुए हैं कि जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाया जाए। और आज खास करके इस आंदोलन में जो मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं, वो टाइगर जयराम महतो जी आए हुए हैं, मोतीलाल महतो जी आए हुए, मनोज महतो जी और मनोज कुमार जी और देवेंद्र महतो जी, वो सारा कोई शामिल है। वो एकदम जोरदार तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो कि आप लोग का आगे वीडियो में देखने को। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जयराम दादा का यहाँ पे एंट्री हो चुका है और युवाओं का जोश, यहाँ पे युवाओं का जोश देख सकते हैं कि क्या है। और जयराम दा का जान रहे कि अपना जो परंपरा चलती आ रही है, स्टेज पर उत्तम भाषण देते हैं, वो अपना स्कॉर्पियो पे चढ़ चुके हैं। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, ये इंकलाब जो निकला है आज हफ्ते सीनों से, ये आफ्ताब जो निकला है आज धधकते सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, 30 कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। आज पिछले साल भर से लगातार हम लोग आंदोलन, हमारा खाना आंदोलन, नहाना आंदोलन, सोचना आंदोलन, बीते साल भर में लगभग लिखित तौर पर 410 जनसभाएं शायद देश के प्रधानमंत्री अपने जीवन में नहीं किए होंगे। लेकिन आज की यह सभा कुछ नई है, क्योंकि बीते एक साल में बहुत प्रेशर, बहुत टॉर्चर, बहुत ट्रोल, बहुत हेड झेले, लेकिन कोई हमको दिगा तक नहीं पाया। लेकिन बीते दो दिन में कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी, मेरे दिल के बहुत करीब विकास और प्रकाश नामक मेरे दो साथी थे, जिनका आकस्मिक 23 साल के थे, उनका देहांत हुआ और हमको थोड़ा दुख लगा, हम दर्द में थे। लेकिन आज अपने दर्द को छिपाकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों का दर्द उससे लाख गुना ज्यादा, इसलिए आज यहाँ आए। एक पल तो लगा कि आंदोलन से हम लोग जख्मी, इस घटना के बाद कहीं जख्मी ना हो गए, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी खतरनाक। बिल्कुल, मुझे तो पूरा विश्वास है, चाहे विधानसभा हो या राजभवन हो, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी को वाच किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का नया भाषण, वे कहते हैं कैसे लिया झारखंड, तो उनके समर्थक कहते हैं लड़के लिया झारखंड। ये मोटा मोटी हुआ है, ये टाइम अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं वे हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आज गांधी मैदान, गांधी यानी अहिंसा का संदेश, गांधी यानी आंदोलन, गांधी यानी शांति। लेकिन आज यदि गांधी के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अशांत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन हुक्मरान पर सवाल खड़ा होता है जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। आज लोगों को, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भारत से अलग कटकर एक नया झारखंड राज्य, बिहार राज्य से कटकर एक नया अलग झारखंड राज्य बना, उस समय जो हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर एक राज्य होगा। यानी कितनी उम्मीदें थी,
इस राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति को जिसे राज्यपाल कहते हैं, कितनी उम्मीदें थी कि यह राज्य नंबर एक पर आएगा, लेकिन आज 22 साल बीत चुके हैं। आज अगर इस राज्य के बारे में समीक्षा करने जाए, आज अगर इस राज्य को जांचने जाए, ये पीछे से कभी नंबर दो पे मिलेगा, कभी नंबर तीन पर मिलेगा, कभी नंबर चार पर मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने नया झारखंड राज्य लिया था? एक बात कहिए, यदि हम कहे बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहे गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहे महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? झारखंड सबसे पाप के लगे की, झारखंड सबसे पाप के लगे की, लेकिन हमारे बाप के लगे हमारे बाप के फोन भाल है। हम शहीद का बेटा है, मेरा बाप का झारखंड है, क्योंकि मेरा बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। आज गवर्नमेंट में बैठे लोग पॉलिसी लेकर आते हैं, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहाँ से 10वां 12वां पास करेगा, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहाँ पैदा होगा। अरे भाई, आप लोग विधायिका के अंग हैं या फिर आप लोग मदारी हैं? आप लोग टास जुआ खेलने वाले लोग हैं? मेरे ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा, नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि जो यहाँ जन्म लेगा उसे झारखंडी में नियोजन का अधिकार मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि कोई यहाँ पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए, क्या ये संवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है तो कोई तो ट्रेन में पैदा हो जाता है, ट्रेन उसका होना चाहिए। कोई अस्पताल में पैदा होता है, अस्पताल उसका होना चाहिए। तो पैदा होने से, जब अस्पताल मेरा नहीं, पैदा होने से वो ट्रेन मेरा नहीं, तो सिर्फ पैदा होने मात्र से उसे झारखंडी कैसे माना जाए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान सरकार नियम लेके आती है 10वां 12वां पास। अरे हम लोग भी यहाँ जितने लोग हैं, कोई मामा घर से, कोई मौसी घर से, कोई फुआ घर से मैट्रिक पास किए हैं ना, तो फुआ घर से, मामा घर से, मौसी घर से मैट्रिक पास करने के बाद क्या मामा फुआ मौसी ने हमको वहाँ अधिकार दिया है? तो मात्र 10th और 12th पास करने से पूरे भारत के लोगों को झारखंडी मान लेना कहाँ का इंसाफ होगा? बिल्कुल नहीं। आज लोग बार बार दुहाई देते हैं कि झारखंड की पॉलिसी असंवैधानिक है। एक बात बताइए, ये संविधान का हवाला, ये संविधान का डंडा केवल झारखंड पर? या जो लोग संविधान की बात करते हैं, क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? यदि नहीं है तो आप केवल अनुच्छेद 15 और 16 में क्यों रुकते हैं? अनुच्छेद 19 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 171 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 371 तक पहुंचिए और उसे पढ़िए क्या लिखा है। ये भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत है, ये कहता भी है नहीं भी कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 171 171 क्या कहती है विधानसभा के लिए? कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, कहती है ना भारत का संविधान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए, हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 में काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 371 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 में काम चला सकते हैं। तो भाई ये संविधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई हैं, एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया है। हमारा कोई इतिहास बताएगा
कि हमने किसी को घर से भगाया है, हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए किया है। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके हजारीबाग जिला के अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड है, वहाँ एक बलग मक्का नामक गांव है। एक गांव में सात लोग शहीद हुए, शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला है। क्या कभी इस दर्द का आभास इन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है कि हमने किन परिस्थितियों में यह राज्य लिया है? इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर तैयारी करते हैं, कभी उनके दर्द को किसी ने समझा है कि किस प्रकार हम अपना मुर्गी चेंगना छगरी पठो गाय गोरू बेचकर, अगर हमारे माओं के पास अगर पुरखों का गहना है उसे गिरवी रखकर, अपने खेत का जमीन का टुकड़ा किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं, उन पैसों को गठरी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है, इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी लेकर आए, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने संगी साथियों को भूलकर, एक छोटे से लॉज में जहाँ सबसे कम दाम में उपलब्ध हो पाता है वहाँ तैयारियां करता है, अपने जीवन का 5 साल 10 साल कोई कोई तो 15 साल लगा देते हैं। अचानक उसके पास विधानसभा से लिख चिट्ठी जारी होता है कि आपकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। क्या कभी ने सोचकर देखा है उसके साथ क्या बीतता है? लोग आश्वासन देते हैं कि उम्र की सीमा बढ़ा देंगे। एक बात बताइए, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं ये लोग अगर उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो सक्षम है, लेकिन जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उम्र की सीमा बढ़ाकर उन्हें घोड़ा बना देंगे क्या? आज होमगार्ड का मामला हजारीबाग में पेंडिंग है, आज होमगार्ड का मामला धनबाद में पेंडिंग है, वो 2017 की बहाली है। आज यदि आप उनको कह भी देते हैं कि हम आपकी उम्र की सीमा को बढ़ा देते हैं, क्या उन्हें फिर से 5 फीट का हाई जंप करवा सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या उनसे आप 16 फीट का लॉन्ग जंप करवा सकते हैं? कभी नहीं। क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए या 24 में सरकार कहीं ना रहे। बिल्कुल। कब तक, आखिर कब तक हम अपने सपने को अपने आंखों के सामने ओझल होते हुए दूर होते हुए देखना पसंद करेंगे? हमने किसी का क्या गुनाह किया है? यही नहीं, आज बहुत सारे लोग यहाँ आकर बात रखे बाहरी भीतरी, जी नहीं, जो लोग अगर बाहरी भीतरी का प्रश्न खड़ा करते हैं मैं उन्हें 2-3 उदाहरण दूंगा। जब ये आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था हमें बिहार मूल के हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था, उन्होंने धनबाद के एक वकील को फोन किया, बोला उस लड़का से हमको बात कराओ। उन्होंने वकील को फोन किया, वकील साहब किसी तरह मेरा नंबर जुगाड़ किया, हमको कॉन्फ्रेंस में बात कराया। हाईकोर्ट जो कि बिहार मूल के है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपकी इस भाषा की लड़ाई में बिल्कुल आपके साथ हैं, क्योंकि यदि सभी लोग यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा के लोग अगर भाईचारा के नाम पर झारखंड में कब्जा कर लेंगे तो झारखंड बनाए क्यों था? यह कथन मेरा नहीं है, बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज का है, जिन्होंने मुझे लगभग फरवरी महीना में फोन किया था मानव श्रृंखला के बाद, बोला बिल्कुल आपका जो भी लॉजिक आप रखते हैं बिल्कुल सत्य रखते हैं। झारखंड के लोग जिस समय खेतों में खलियानों में जंगलों में बिहड़ों में रहते थे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, आप एजुकेशन को लेकर उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, आप उनके एक ही शिक्षा के स्तर में दोनों को बैठा दिया जाए आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो आपकी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक है।
एक हरियाणा के जाट नेता का फोन आया जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे, उन्होंने भी कहा कि यदि जो लोग झारखंड के दर्द को नहीं समझ रहे हैं और जो लोग इसे पहाड़ी भित्री का नाम दे रहे हैं उनसे एक ही सवाल किया जाए कि पूरा इंडिया एक रहता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इंडिया एक रहता, और यदि बंगाल के किसी अभ्यर्थी को केरल में मास्टर बना दिया जाता क्या हैंडलिंग कर पाते हैं? गुजरात के किसी अधिकारी को नागालैंड में इंस्पेक्टर बना दिया जाता क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाते? तो इस बात को अगर आप समझते हैं तो इस बात को भी समझना होगा झारखंड की लड़ाई सही है।